कानपुर में एक मरीज में जीका वायरस लक्षण मिलने के बाद लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। पूरे प्रदेश में जीका वायरस का एक मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड पे आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में पूरे 3 किलोमीटर एरिया को सील कर दिया है और पूरे क्षेत्र में करीब 20 लोगों के सैंपल लिए गए हैं जो कि जाँच के बाद लखनऊ भेजे गए हैं। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को कानपुर में जीका वायरस का एक मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप समचा हुआ है। हम खड़े हैं कानपुर के पोखरपुर पे, जहां पर आप देख सकते हैं मोहम्मद मुस्तकीम अली जो कि एयरफोर्स कर्मी हैं, इनके जीका वायरस के सिम्टम्स पाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर आके इनकी जांच सैंपल लिए और पूरे क्षेत्र में साफ सफाई व फॉगिंग का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को कानपुर के पोखरपुर में एयरपोर्ट कर्मी पर जीका वायरस के लक्षण पाए गए। मेडिकल कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी विभाग मरीज के इलाज में मदद कर रहा है। वहीं आज पोखरपुर में लखनऊ और दिल्ली से टीम आई है जो पूरे क्षेत्र पर निगरानी रख रही है। सर, कहां पर टीम आई है, क्या जाँच हो रही है? देखिए, दिल्ली से टीम आई हुई है, लखनऊ से भी टीम आई हुई है। टीम में एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं और एंटोमोलॉजिस्ट भी हैं, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि एक जीका वायरस का केस यहाँ निकला है कानपुर नगर में, तो उसी के उसके लिए आए हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए, जानकारी के लिए, और जो एक हमारी विरोधात्मक कार्रवाई जो भी चल रही है उसका सुपरविजन करने भी और उसको स्ट्रेंथन करने भी कि किस कितने दायरे में, जैसा अभी निर्णय लिया गया कि 3 किलोमीटर के रेडियस में पूरे क्षेत्र में जो हाउस टू हाउस सर्वे होगा, कोई सिम्टोमेटिक होगा उसे छांट के उनके सैंपलिंग वगैरह, और जो है वहाँ पर सोर्स रिडक्शन और निरोधात्मक फॉगिंग, साफ सफाई, ये सब कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 3 किलोमीटर तक एरिया सील कर दिया गया है। वहीं दिल्ली की टीम द्वारा बंदरों के काटे गए व्यक्तियों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का मानना है जीका वायरस इन व्यक्तियों से भी फैल सकता है। आज यहाँ पर दिल्ली की और लखनऊ की टीमें भी आई हैं, करीब 20 सैंपल लिए गए हैं जो कि लखनऊ जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। 3 किलोमीटर तक की एरिया को यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने सीज कर दिया है। जिस तरह से यहाँ पर साफ सफाई और स्वास्थ्य विभाग की टीमें आ रही हैं और देखा जा रहा है कि किसी और व्यक्ति के सिम्टम्स तो नहीं है। कानपुर से सचिन मिश्रा, AB News, आप तक।